नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज आपके सामने द हिंदू एडिटोरियल का एक नया टॉपिक फॉर इक्वल ट्रीटमेंट लेकर पेश हूं। ये जो है बात हो रही है, ये ट्रीटमेंट का मतलब जो है यानी कि व्यवहार और इक्वल यानी कि समान व्यवहार की बात हो रही है। ये बात हो रही है विकलांग लोगों को जो है जो रिलैक्सेशन जो दिया जाना चाहिए उसके बारे में ये बात हो रही है, जो कि SC ST कम्युनिटी को दिया जाता है उसी तरह विकलांग को भी दिया जाना चाहिए, उसी को लेकर जो है यह एडिटोरियल है। तो आइए बढ़ते हैं। फॉर इक्वल ट्रीटमेंट यानी कि समान व्यवहार। सुप्रीम कोर्ट डिड वेल टू एक्सटेंड टू द डिसेबल्ड द रिलैक्सेशंस गिवन टू SC ST। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। कैसे? टू एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब तो सभी कोई जानते हैं, विस्तार करना यानी टू मेक समथिंग लार्जर और लॉन्गर। लेकिन एक्सटेंड का एक और मतलब होता है ऑफर करना, यानी कि गिव के सेंस में, ठीक है ना। तो एक्सटेंड किया है टू द डिसेबल्ड, विकलांगों को, ठीक है ना। द देखिए, डिजेबल जो है एडजेक्टिव है और उसके पहले द लगा है, मतलब सारे विकलांग लोगों के लिए बात हो रही है। वो क्या ऑफर किया है? रिलैक्सेशन, जो छूट जो कि SC ST को दी जाती है वो रिलैक्सेशन किसको मिले? विकलांग लोगों को भी मिले। तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह काम बहुत अच्छा किया है ऑफर करके, यानी कि देकर। इन होल्डिंग दैट पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजेबिलिटी आर इंटाइटल्ड टू द सेम बेनिफिट्स एंड रिलैक्सेशन As candidates belonging to the scheduled caste, the Supreme Court has recognized the troubles of the disabled in accessing education or employment regardless of their social status. कहने का मतलब यह मानते हुए या कि यह मानना कि लोग जो disability से पीड़ित हैं यानी कि विकलांगता से पीड़ित है, अभी इस चीज को जो है आप ऐसे पढ़ सकते हैं, विकलांगता से पीड़ित का मतलब क्या हुआ, यानी कि विकलांग लोग, आप सिंपल सा ऐसे भी पकड़ सकते हैं जो विकलांग लोग हैं, ठीक है ना। इसको इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि लोग जो कि पीड़ित हैं विकलांगता से, इससे बेहतर है आप इसको विकलांग लोग कहें आगे, ठीक है। तो इन होल्डिंग, ये मानते हुए कि ये जो लोग हैं यानी कि विकलांग लोग जो हैं वो क्या है, आर इंटाइटल्ड, वो अधिकृत हैं टू द सेम बेनिफिट्स एंड रिलैक्सेशन, मतलब कि वही समान लाभ और समान छूट का के लिए वो अधिकृत हैं एज कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के जो उम्मीदवार हैं, ठीक है ना, वो जैसे इंटाइटल हैं उसी तरह जो है डिजेबिलिटी से जो पीड़ित हैं यानी कि डिजेबल्ड लोग जो हैं यानी वो भी ये सेम बेनिफिट्स और रिलैक्सेशंस के अधिकृत हैं, मतलब उसको भी वो हक है। द सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, रिकग्नाइज्ड, उन्होंने जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने समझा है, पहचाना है द ट्रेबल्स ऑफ द डिजेबल्ड, यानी कि ट्रेबल्स मतलब कष्ट कह सकते हैं, डिफिकल्टी कह सकते हैं, कठिनाई, यानी कि ये जो ट्रेबल्स है डिजेबल्ड लोगों का, ठीक है ना, विकलांग लोगों का, किस चीज़ को लेकर, इन एक्सेसिंग एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की जो की तरफ जो उसकी पहुंच है उसको लेकर जो उसको जो कष्ट झेलना पड़ता है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जाना है, उसको पहचाना है, उसको मान्यता दी है, रिगार्डलेस ऑफ, भले ही वो किसी भी सोशल स्टेटस के हों, भले ही वो सामाजिक स्टेटस उनका कुछ भी रहा हो, लेकिन उनको जो है उन वो जो है कहीं ना कहीं इससे पीड़ित हैं, यानी कि उनके उनका ट्रेवल्स को जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहचाना है। इवन दो ड्रॉन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, हालांकि इवन दो का मतलब दो होता है या ऑल दो, ड्रॉन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज के सभी वर्ग से इन्हें लिए गए हैं, ठीक है, हालांकि ये जो है समाज के सभी वर्ग से लिए गए हैं। दो सफरिंग फ्रॉम द सेवरल कैटेगरीज ऑफ डिजेबिलिटी, कहा जा रहा है कि वे लोग जो कि सफर कर रहे हैं यानी कि पीड़ित हैं किस चीज़ से, कई सारे श्रेणी हैं डिजेबिलिटी के यानी कि विकलांगता के जो हैं, कई सारे श्रेणी से जो पीड़ित हैं यानी कि उससे उसको जो झेल रहे हैं, जिसको कि ये डिजेबिलिटी जिसको कि लॉ के द्वारा यानी कि कानून के द्वारा मान्यता दी गई है, have always been an
अंडर प्रिविलेज्ड, ये जो लोग हैं, ठीक है, ये जो लोग हैं, ये दोस्त जो है, ठीक है ना, यानी कि जो सेवरल कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी के शिकार हैं, ठीक है ना, जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया है लॉ के द्वारा, वो हमेशा से हैव ऑलवेज बीन अंडर प्रिविलेज्ड, वो जो है अंडर प्रिविलेज्ड रहे हैं। देखिए, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, मतलब किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार मिलता है, ठीक है ना। लेकिन अंडर प्रिविलेज का मतलब होता है सुविधाओं से वंचित, मतलब उसके पास कुछ नहीं है, मतलब कि पैसे की कमी है, कुछ भी, जमीन वगैरह किसी भी चीज का, मतलब उससे वो वंचित है उस चीज। तो अंडर प्रिविलेज एंड अंडर रिप्रेजेंटेड सेक्शन, और जो है वो रिप्रेजेंटेड भी नहीं, सही रूप से उसका जो है प्रतिनिधित्व भी नहीं होता है, वो वर्ग से वो रहे हैं, ठीक है ना। अ फैक्ट नोटिस्ड इन ऑफिशियल स्टडीज इन द पास्ट, ये एक वास्तविकता है जिसको कि देखा गया है, नोटिस किया गया है ऑफिशियल स्टडीज में, आधिकारिक अध्ययनों में, पिछले मतलब कि पास्ट में, अतीत में। रिसेंटली द टॉप कोर्ट रूल्ड दैट द दिल्ली हाई कोर्ट हैड करेक्टली डिसाइडेड इन 2012 दैट पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी आर ऑल्सो सोशली बैकवर्ड एंड आर देयर फोर एट द वेरी लिस्ट इंटाइटल टू द सेम बेनिफिट एज गिवेन टू द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स। कहा जा रहा है कि हाल ही में टॉप कोर्ट जो है, द टॉप कोर्ट मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट, इसने फैसला दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो सही रूप से जो है वो फैसला दिया था 2012 में कि पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, यानी कि विकलांग लोग जो हैं वो क्या हैं, आर सोशली बैकवर्ड, यानी कि वो जो है सामाजिक रूप से भी पिछड़े होते हैं, ठीक है ना, यानी कि सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। एंड आर देयर फोर, इसलिए जो है वो, इसलिए देयर फोर मतलब इसलिए, और इसलिए एट द वेरी लीस्ट, कम से कम वे इसलिए अधिकृत हैं, यानी कि हकदार हैं किस चीज का, टू द सेम बेनिफिट्स, उसी बेनिफिट्स के हकदार हैं जो दिए गए हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स को। देयर फोर इट टुक द व्यू दैट व्हेन SC/ST कैंडिडेट्स गेट अ रिलैक्सेशन ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क टू क्वालिफाई फॉर एडमिशन, द सेम रिलैक्सेशन शैल अप्लाई टू डिसेबल कैंडिडेट्स टू। इसलिए क्या कह रहा है, इट टुक द व्यू, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह विचार लिया, यानी उसने यह विचार किया कि व्हेन SC/ST कैंडिडेट्स गेट अ रिलैक्सेशन, जब SC/ST कैंडिडेट्स को छूट मिलती है, कितना का, ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी कि जो मार्क्स में जो है कुछ प्रतिशत का जो है उसको मतलब कि छूट मिलती है, ताकि वो क्वालिफाई कर सके एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए, ठीक है ना, प्रविष्टि पाने के लिए। द सेम रिलैक्सेशन, ये यही चीज मतलब कि मतलब समान छूट जो है यह लागू होगी किस पर, डिसेबल कैंडिडेट्स पर भी, ठीक है, इन द 2012 केस, यानी कि 2012 के जो मामला था, यह केस था बिफोर द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के समक्ष जो 2012 का जो मामला था उसमें क्या हुआ था, अ यूनिवर्सिटी हैड अलाउड अ 10% कॉन्सेशन इन द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के समक्ष जो 2012 का जो केस था उसमें जो है एक यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया था, अनुमति दी थी 10% का छूट का, किसमें, इन द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, यानी कि न्यूनतम न्यूनतम पात्रता आवश्यकता पर जो है उसने जो है 10% का छूट दी थी, किसके लिए, SC/ST कैंडिडेट। मान लीजिए कि सपोज आप जो है कोई एग्जाम देने जाते हैं और उसमें जो है आपको 50% जो है एलिजिबिलिटी चाहिए, कि 50% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, लेकिन SC/ST कैंडिडेट्स को जो है 10% की छूट अगर मान ली दी जाती है, ठीक है, यानी कि 45% ही हो, तो वो उसको कॉन्सेशन दिया गया। तो यही चीज जो है यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया था 10% कॉन्सेशन का इन द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में फॉर SC/ST कैंडिडेट्स, एंड 5% कॉन्सेशन, और 5% जो कॉन्सेशन दिया गया था वो किसको, फॉर डिजेबल्ड एप्लीकेंट्स को, यानी कि जो विकलांग अभ्यर्थी थे उनको दिया गया था। द हाई कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट दिस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये जो हाई कोर्ट ने क्या किया था, उच्च न्यायालय ने जो क्या किया, उसने फैसला दिया था इसके खिलाफ, इस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के खिलाफ, ये जो अंतर भेद जो है, यानी कि जो
दोनों मतलब एक को 10% और एक को 5% जो दिया गया, जो ये जो किया गया था जिसमें, तो दोनों में अंतर रखा गया था। ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ये भेदभावपूर्ण जो एक बर्ताव है, उसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट ने एक क्या किया था, फैसला सुनाया था टर्मिंग इट डिस्क्रिमिनेटरी, और इसको जो है ये करार देते हुए कि यह जो है डिस्क्रिमिनेटरी है, यह पक्षपातपूर्ण है, यानी कि हाई कोर्ट ने इसे डिस्क्रिमिनेटरी करार देते हुए या डिस्क्रिमिनेटरी कहते हुए इसके खिलाफ जो है फैसला दिया था, इस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के खिलाफ। द लार्जर प्रिंसिपल बिहाइंड दिस वॉज दैट विदाउट इम्पार्टिंग प्रॉपर एजुकेशन टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज, देयर कैनॉट बी एनी मीनिंगफुल इन्फोर्समेंट ऑफ देयर राइट्स बोथ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन प्रिवेलिंग 1995 लेजिस्लेशन ऑन प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द डिसेबल्ड एंड प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। कहा जा रहा है कि ये जो इसके पीछे जो लार्जर प्रिंसिपल था, एक बड़ा जो सिद्धांत था इसके पीछे, बिहाइंड दिस वॉज दैट, वो क्या था, विदाउट इम्पार्टिंग प्रॉपर एजुकेशन, बिना उचित शिक्षा दिए बिना, इम्पार्टिंग मतलब देना, तो ये उचित शिक्षा दिए बिना उन लोगों को, टू दोज जो जो विकलांग हैं, ठीक है ना, टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, यानी कि विकलांग लोगों को प्रॉपर एजुकेशन दिए बिना, देयर कैनॉट बी एनी मीनिंगफुल इन्फोर्समेंट ऑफ देयर राइट्स, तो कोई भी सार्थक जो प्रवर्तन या अमल उनके राइट्स का, उनके अधिकार का, ठीक है ना, उनको जो अधिकार मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ठीक है, तो वो जो राइट्स है उसका इन्फोर्समेंट, इस इन्फोर्समेंट का मतलब होता है लागू करना या प्रवर्तन करना या फिर उसको अमल में लाना, ठीक है ना, तो ऐसा कोई भी मीनिंगफुल मतलब कि उसका सार्थक जो है, एक सही रूप से कह सकते हैं इन्फोर्समेंट जो है उसके राइट्स का, उसके अधिकार का नहीं हो सकता, जो कि दिए गए हैं बोथ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के तहत, और उस समय, एंड देन उस समय का जो प्रिवेलिंग था, यानी कि उस समय जो व्याप्त था, उस समय जो चल रहा था 1995 लेजिस्लेशन, उस समय जो चल रहा था 1995 का जो कानून था, ये कानून किस पर था, ऑन प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज को देना, अवसर को देना, समान अवसर देना, किसको, टू द डिसेबल्ड यानी कि विकलांगों को, और एंड प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स, और उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना, तो इसको लेकर जो ये राइट्स दिए गए थे उनको, तो उनको इन्फोर्समेंट जो है सही रूप से नहीं हो सकता था बिना उसको प्रॉपर एजुकेशन दिए, ठीक है ना, इट कैन ओनली बी मोर एप्लीकेबल, ये जो है और ज्यादा और अधिक एप्लीकेबल हो सकता है, इट कैन बी मोर एप्लीकेबल, इसको मतलब एप्लीकेबल मतलब दैट कैन बी अप्लाइड, ठीक है, इसको जो है और लागू किया जा सकता, और ज्यादा लागू किया जा सकता है, नाउ अब जो है दैट ए फ्रेश लॉ, यानी कि एक नया कानून जिसका लक्ष्य जो है वो क्या है, ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट, जिसका जो है, जो एम्स जो है यानी कि उद्देश्य जो है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट मतलब एक परिवर्तनकारी प्रभाव को ज्यादा से ज्यादा लेकर आना, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये जो राइट्स से अधिकार है ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांग लोगों का जो ये अधिकार का जो कानून है, एक्ट मतलब, यानी ये पूरा का ये कानून का नाम है, ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ठीक है ना, इज इन प्लेस, वो लागू है, मतलब वो अभी वर्तमान में लागू है। अ काउंटर पॉइंट, काउंटर पॉइंट का मतलब होता है प्रतिवाद, यानी कि एक जैसे होता है ना आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट, उसी तरह काउंटर पॉइंट होता है, तो कहा जा रहा है कि ये काउंटर पॉइंट जो है, ठीक है, टू द आइडिया ऑफ, अब देखिए ये काउंटर पॉइंट किसके मतलब कि अगेंस्ट में है, ये जो है ये आइडिया, ये जो विचार है कि एलिमिनेट करने का डिस्टिंक्शन, ये जो अंतर है, भेद जो है किसके बीच, बिटवीन द डिजेबल्ड एंड द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है ना, यानी कि कहा जा रहा है ये जो विचार है अंतर खत्म करने का, यानी कि ये जो भेद है, ये जो अंतर है दोनों के बीच, यानी कि विकलांग लोगों के बीच और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बीच जो एक अंतर है उसको खत्म करने के जो विचार हैं, ठीक है ना, उसके काउंटर पॉइंट, उसका मतलब कि एक तरीके से प्रतिवाद, ठीक है ना, वो प्रतिवाद क्या हो सकता है, मे अराइज, वो उत्पन्न हो सकता है फ्रॉम दोज, उन लोगों से जो प्रश्न उठा रहे हैं किस किसको लेकर, उन प्रयासों को लेकर जिसमें जो है
क्या किया जा रहा है? टू इक्वेट फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी विथ द सोशल डिसेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी सफर्ड बाय मार्जिनलाइज सेक्शंस फॉर सेंचुरीज। यानी कि ये जो प्रयास किया जा रहा है उस पर उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस प्रयास में क्या है कि फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी जो है, यानी कि शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो विकलांगता है, उसको क्या करने की कोशिश की जा रही है, उसको बराबरी करने की कोशिश करिए, उसको समान ढंग से उसको इक्वेट करने की कोशिश की जा रही है, मतलब उसके बराबर में रखने की कोशिश की जा रही है। किसके साथ? सोशल डिसेबिलिटी के साथ, यानी कि सामाजिक रूप से विकलांगता के साथ, ठीक है ना। जैसे कि एस सी एस टी को कहा जाता है कि सोशल, मतलब कि जो ऐसे व्यक्ति या ऐसा वर्ग जो कि ऐतिहासिक रूप से, यानी कि सदियों से जो है उनके साथ गलत ट्रीटमेंट किया जा रहा था, इस वजह से वह जो है हाशिए पर चले गए हैं, तो वो जो एक सोशल डिसेबिलिटी है। और जो एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो अस्पृश्यता, यानी कि इसको जो अनटचेबिलिटी को कहते हैं अछूत या फिर अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ठीक है ना, अस्पृश्यता मतलब कि जिसमें आप आपको अगर छू लेने पर वो मतलब अछूत हो जाएगा, इस सेंस का एक एक समय का एक जो है आपका ये विचार था कभी। तो ये जो एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी था जो कि सफर्ड बाय मार्जिनलाइज सेक्शंस फॉर सेंचुरीज, सदियों से जो है मार्जिनलाइज सेक्शंस, यानी कि मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या, जो हाशिए पर, समाज में जो हाशिए पर जो वर्ग थे उनके द्वारा जो ये अनुभव किया जाता रहा है अनटचेबिलिटी के एक्सपीरियंस को, और जो सोशल डिसेबिलिटी जो था उसके साथ जो बराबरी करने की कोशिश हो रही है फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी को, ठीक है ना, उस पर जो है प्रश्न उठाए जा रहे हैं, ठीक है, और यह काउंटर पॉइंट वहीं से आ सकता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ डिजेबल पर्सन, उदाहरण के लिए देखिए, ये जो सोशल बैकग्राउंड होता है, किसी भी व्यक्ति का एक बैकग्राउंड होता है, तो ये जो डिजेबल पर्सन का जो होता है, ठीक है ना, और डिजेबल पर्सन कौन सा डिजेबल पर्सन, फ्रॉम अ ट्रेडिशनली प्रिविलेज कम्युनिटी, ठीक है ना, यानी कि जो पारंपरिक रूप से विशेष अधिकृत जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, विशेष समुदाय जो है, एक तरीके से प्रिविलेज, जिसको विशेषाधिकार मिला हुआ है, वो पारंपरिक रूप से जो विशेषाधिकार प्राप्त जो कम्युनिटी है उससे जो भी विकलांग व्यक्ति आते हैं, ठीक है ना, उसका जो सोशल बैकग्राउंड होता है, ठीक है, उसका जो सामाजिक पृष्ठभूमि होता है, ठीक है ना, मे गिव देम, उनको दे सकता है, संभावना है या मे है ना, ठीक है ना, तो उनको जो है दे सकता है क्या, एडवांटेज दे सकता है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं लाभ दे सकता है, किस पर, ओवर दोज, उन लोगों पर जो सफर कर रहे हैं फ्रॉम हिस्टोरिकल सोशल डिसेबिलिटी, यानी कि ऐतिहासिक रूप से जो सामाजिक विकलांगता का शिकार रहे हैं उन पर जो है एक एडवांटेज दे सकता है, ये एक संभावना है, मे गिव देम, ठीक है ना। हाउएवर, हालांकि दिस मे नॉट ऑलवेज बी द केस, फिर वहीं पर जो है एक लाइन और जोड़ रहा है कि एडिटोरियल ये कह रहा है कि यह जो है हमेशा से ऐसा मामला नहीं हो सकता है, मतलब कि हर हमेशा यही केस नहीं हो सकता है, दिस मे नॉट ऑलवेज बी द केस, ये रेयर केस में हो सकता है ऐसा। द दिल्ली हाई कोर्ट हैड साइटेड द एबिस्मली लो लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट रेट्स अमंग पर्संस विद डिसेबिलिटीज, कहा जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसने हवाला दिया था किस चीज का, एबिस्मली बहुत ही कम लिटरेसी का, यानी कि साक्षरता का, और एम्प्लॉयमेंट रेट्स का, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट रोजगार दर जो है और लिटरेसी दर जो है वो बहुत ही कम किसके बीच है, अमंग पर्संस विद डिसेबिलिटी, यानी कि विकलांग लोगों के बीच है, ठीक है ना। तो उसका वो दिल्ली हाई कोर्ट ने हवाला दिया था, इसका जो है एक उदाहरण दिया था, एडुकेशनल इंडिकेटर्स, जो शैक्षणिक आप कह सकते हैं जो संकेतक हैं, इंडिकेटर्स संकेत देने वाले, जो कि कैप्चर्ड किए गए थे 2001 सेंसस में, यानी कि 2001 के जनगणना में जिसको कैप्चर्ड किया, उसको मतलब कि शामिल किया गया था, कैप्चर्ड मतलब यहाँ शामिल किया गया था एडुकेशनल इंडिकेटर्स को, उससे पता चलता है, शोट शोट मतलब दिखाना, या पता चलता है कि इलिटरेसी जो है, यानी कि जो निरक्षरता है अमंग द डिजेबल्ड, यानी कि विकलांग लोगों में जो निरक्षरता है वो क्या है,
वॉज मच हायर, वो कहीं ज्यादा है देन द जनरल पॉपुलेशन फिगर, यानी कि जो सामान्य जो जनसंख्या का जो आंकड़े हैं उससे कहीं ज्यादा डिजेबल के बीच जो है, इलिटरेसी यानी कि निरक्षरता। द शेयर ऑफ डिजेबल चिल्ड्रेन आउट ऑफ स्कूल, अब कहा जा रहा है आउट ऑफ स्कूल मतलब कि स्कूल के बाहर, यानी कि जो स्कूल में नहीं है, तो उसमें जो हिस्सा जो है या हिस्सेदारी जो है डिजेबल चिल्ड्रेन का, विकलांग जो बच्चे हैं उसका जो शेयर है वो आउट ऑफ स्कूल वॉज क्वाइट हायर, वो जो है कहीं ज्यादा है देन अदर मेजर सोशल कैटेगरीज, यानी कि अन्य बड़े या अन्य प्रमुख जो सामाजिक श्रेणी है उनके अपेक्षा जो डिजेबल चिल्ड्रेन का जो शेयर है आउट ऑफ स्कूल में वो कहीं ज्यादा है, वॉज क्वाइट हायर। 2001 सेंसस, 2001 का जो जनगणना है उसने क्या किया है, पुट द इलिटरेसी रेट अमंग द डिजेबल्ड एट 51%। उसने जो है इलिटरेसी रेट को जो है यानी कि निरक्षरता दर को जो है विकलांग लोगों में वो कितना में रखा, वो 51% बताया। देयर वॉज सिमिलर एविडेंस ऑफ देयर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन एम्प्लॉयमेंट टू, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इसी तरह के सबूत हैं, समान मतलब कि इसी तरह के सबूत हैं किस चीज के, ऑफ देयर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मतलब अपर्याप्त रूप से उनकी प्रतिनिधित्व है किस चीज में, एम्प्लॉयमेंट में भी, यानी कि रोजगार के क्षेत्र में भी जो है उनका एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है। द 2016 लॉ यानी कि 2016 का जो कानून है शॉट टू एड्रेस दिस, 2016 का कानून जो है वो क्या किया है, उसका प्रयास है इसको हल करने का, कैसे, बाय रेजिंग द कोटा फॉर द डिजेबल फ्रॉम 3% टू 5%, यानी कि ये जो 2016 का जो कानून है उसको उसने जो है इसको हल करने की कोशिश की है, कैसे, तो कोटा को बढ़ाकर डिजेबल के लिए विकलांग लोगों के लिए 3% से 5% तक, और क्या करके, इन्वेस्टिंग इन इंसेंटिव्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर, और निजी क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन की परिकल्पना करके, ठीक है ना, इन्वेस्टिंग मतलब परिकल्पना करना या कल्पना करके, ठीक है ना, तो और क्या करके, बाय इन्वेस्टिंग, ये बाय से दोनों जुड़ा है, बाय से ये भी और बाय से ये भी, ठीक है ना, इंसेंटिव्स को, उस प्रोत्साहन को किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, ताकि वो उसे हायर कर सके, ठीक है ना। इट इज़ वाइटल, ये बहुत प्रासंगिक है या ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दैट दिस इज फुल्ली गिवन इफ फुल्ली गिवन इफेक्ट टू, यानी कि ये जो है इस लॉ को जो है इसको प्रभाव में पूरी तरह से लाया जाना चाहिए, सो दैट ताकि दिस सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, ये जो है एक महत्वपूर्ण जो वर्ग है जनसंख्या का, इज नॉट लेफ्ट आउट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट, ये जो है सामाजिक और आर्थिक उन्नति में जो है यह पिछड़ न जाए, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इसे जो है फुल्ली जो है इसे इफेक्ट में लाया जाया जाए, यानी कि प्रभाव में लाया जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, कोई भी आपको फीडबैक अगर देना हो तो वो कमेंट बॉक्स पर दें, कुछ भी प्रश्न पूछना है आप कमेंट बॉक्स पर दें, और साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।